हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं, वह भी हिंदी के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैंने आज अपनी बाइक मरम्मत करवाई है। मैंने आज अपनी बाइक मरम्मत करवाई है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? तो मैंने आज अपनी बाइक मरम्मत करवाई है। मैंने का आई दे देना है, इसमें आई के साथ हैव लगेगा। मरम्मत कराई और करवाई में अंतर है, यानी यह काम दूसरे से हुआ है, इसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो यह इस तरह से बनेगा, आई हैव गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। इस तरह के सेंटेंस में गेट लगता है और इधर वर्ब थ्री लगेगा, और बीच में जो भी सामान है, जैसे मैंने अपना घर बनवाया है तो आई हैव गॉट माई हाउस बिल्ट, आई हैव गॉट माई बाइक रिपेयर, दैट मीन्स मैंने आज अपनी बाइक मरम्मत करवाई है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे वह दाढ़ी बनाने के लिए सलून गया है। वह दाढ़ी बनाने के लिए सलून गया है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वह का ही हो जाएगा और ही के साथ हैज लगाना है। ही हैज गोन टू सलून फॉर सेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए, फॉर सेविंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। तुम अपना होमवर्क किससे बनवाए हो? तुम अपना होमवर्क किससे बनवाए हो? तुम अपना होमवर्क किससे बनवाए हो? यह काम भी दूसरे से हुआ है, इसमें भी कॉजेटिव वर्ब है, तो किससे का हो जाएगा बाय होम, यानी किसके द्वारा, और तुम है तो यू, यू के साथ हैव, तो यहां पर हो जाएगा हैव। बाय होम हैव यू गॉट योर होमवर्क? Got your homework done? By whom have you got your homework done? जिस तरह से एक नंबर वाला बना है, got लगाकर और इधर verb 3, यहाँ पर देखिए got और यहाँ पर verb 3। तुम अपना homework किससे बनवाए हो? By whom have you got your homework done? और ये इस sentence के अनुसार है, और spoken English में कभी कभी हम short में बोलते हैं, short sentences prefer करते हैं, तो आप बोल सकते हो Who did your homework? यानी आपका होमवर्क किसने किया, और तुम किसके द्वारा होमवर्क बनवाए हो। तो उसी सेंटेंस को हम अलग तरीके से बोल सकते हैं, और सभी तरीके सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। मैं आप लोगों को कुछ अलग सेंटेंसेस बताऊंगा, आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंग्लिश सीखने की 100% गारंटी है।
मैंने अपना काम कर लिया है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, आई हैव डन माई वर्क। अब तुम्हारी बारी है, नाउ इट इज योर, बारी का होता है टर्न, नाउ इट इज योर टर्न। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, तो यह कैसे बनेगा? उसने का हो जाएगा ही के साथ लगा देना है हैज, ही हैज चीटेड मी, डिसीव भी होता है, डिसीव्ड मी भी हो सकता है, ही हैज डिसीव्ड मी, चीट सिंपल वर्ड है। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे तुमने कमाल कर दिया है। इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इसके जैसा ही हम इंग्लिश सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे तुमने कमाल कर दिया है, या अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तुमने का हो जाएगा यू के साथ लगा देना है हैव, और कमाल करना का होता है डू वंडर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव डन वंडर। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैंने इस कार को 5 लाख में खरीदा है, मैंने इस कार को 5 लाख में खरीदा है, तो मैंने का हो जाएगा आई के साथ लगा देंगे हैव, और यहाँ बाय का वर्ब 3 बॉट हो जाएगा, आई हैव बॉट दिस कार। अब 5 लाख में का यहाँ इन नहीं लगेगा, बाय 4 होता है, आई हैव बॉट दिस कार 4 रुपीज 5 लैक्स। जैसे मैंने यह कलम 5 रुपये में खरीदा है, तो आई बॉट दिस पेन 4-5 रुपीज होगा, ये 4 लगता है, इन नहीं लगाना है। 8 नंबर, किसी ने उसके घर में आग लगा दी है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? किसी ने उसके घर में आग लगा दी है, तो किसी ने का लिखेंगे समवन हैज, आग लगाना का सेट फायर होता है, समवन हैज सेट फायर उसके घर में, ऑन हिज हाउस। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अब वे लोग मुंबई में बस गए हैं, बस जाना यानी सेटल हो जाना, तो अब का हो जाएगा नाउ दे हैव सेटल्ड इन मुंबई। और आज का लास्ट सेंटेंस 10th नंबर, आपने अपने बेबी का क्या नाम रखा है? आपने अपने बेबी यानी बच्चा का क्या नाम रखा है? तो यहां पर हो जाएगा व्हाट नेम
have you given to your baby? What name have you given to your baby? यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिया है और कुछ अलग तरह का सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताया है। और इसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को जरूर देखिए और फ़ायदा उठाइए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।